मेयर सांसद भागीरथ चौधरी ने राज्य सरकार पर किसानों को लेकर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। चौधरी ने बाजरा खरीद के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा और कहा कि राजस्थान बाजरा उत्पादन के क्षेत्र में नंबर एक पर है, इसके बावजूद राज्य सरकार ने पिछले साल एमएसपी दर पर खरीद नहीं की है। इस साल भी केंद्र ने एमएसपी 2,250 रुपए कर दी है। मेरा राजस्थान सरकार पर आरोप है कि खरीफ फसल कटने को आ रही है और विशेष तौर से राजस्थान जो पूरे हिंदुस्तान में बाजरे के उत्पादन में नंबर वन है, सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन राजस्थान में होता है और उसकी जो एमएसपी जो 2,250 रुपए है, अभी तक उसकी खरीद के लिए इन्होंने कोई अभी तक प्रावधान नहीं किया है, जबकि ऊपर से केंद्र सरकार से साफ निर्देशित है कि राजस्थान में किसानों के बाजरे की जो उपज है उसको खरीदी जाए, परंतु आज तक इन्होंने कोई क्यों 2022-20 में भी इन्होंने एक दाना बाजरे की नहीं खरीदी है।